नमस्कार, मैं हूँ भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान। सर, जे हिंदुस्तान के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हर किसी की चाहत होती है कि लंबे वक्त तक वो जवान रहे, बुढ़ापा उसे छू भी ना पाए। लेकिन जब आधी उम्र के बाद बाल सफेद होने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती है, तो हम चिंतित होने लगते हैं। इसे एजिंग कहते हैं, यानी उम्र बढ़ना। इसीलिए आज इस शो में आयुर्वेद के जरिए हम एंटी एजिंग के तरीके सीखेंगे, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे डॉक्टर चौहान। इन तरीकों को अपनाकर आप लंबे वक्त तक बुढ़ापे के लक्षणों से दूर रह सकते हैं। इसीलिए पूरा शो बहुत ध्यान से देखिएगा। सर, कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के लक्षण वक्त से पहले ही दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोगों में आधी उम्र के बाद भी ये लक्षण नजर नहीं आते। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एजिंग प्रोसेस जो होता है, एक तो नेचुरल एजिंग होती है। नेचुरल एजिंग को समझने के लिए हमें ये समझना है कि होता क्या है। हमारे शरीर में जो है निरंतर नई सेल्स बनती रहती हैं, कोशिकाएं जिनको कहते हैं, और पुरानी सेल्स की कुछ एज होती है। वो जब उनकी एज पूरी होती है तो वो नष्ट हो जाती। तो जब हम युवावस्था में होते हैं तो जो सेल्स, नई सेल्स बनती हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी होती है और जो नष्ट होती है वो कम होती है। इसलिए हम यंग दिखते हैं, युवा रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है और जैसे जैसे हम जो है ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो ओल्ड एज में क्या होगा कि नई सेल्स कम बनती है और सेल नष्ट ज्यादा हो रही है। इसको डीजनरेशन बोलते हैं। तो अगर हमें एंटी एजिंग को समझना है तो क्या करना होगा कि हमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को समझना है जिससे कि हमारी नई सेल्स बने और पुरानी जो सेल्स हैं वो ज्यादा स्पीड से जो है वो नष्ट ना हो। जब जब आपको एजिंग जो है प्री मैच्योर एजिंग होगी, यानी कि समय से पहले जो है आप यंग एज में ही आपको झुर्रियां आने लगे, बाल सफेद होने लगे, इसका क्या मतलब हुआ कि यंग एज में ही आपकी सेल्स का निर्माण कम हो रहा है और सेल्स नष्ट ज्यादा हो रही। तो इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं धातु क्षय या ओज का क्षय, या फिर जो है हम इसको कहते हैं कि कहीं ना कोई माइंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी के कारण। गलत भोजन एक बहुत बड़ा कारण है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर पोषण नहीं मिलेगा तो धातु आपके कमजोर रह जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं लोग क्या होता है, जंक फूड बहुत पॉपुलर है और लाइफस्टाइल की तो बात ही मत करो। आजकल 12 1 बजे 2 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है, तो कैसे शरीर, मतलब इस तरह से है कि आपको एक नदी बह रही है, पानी जा रहा है। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल जिएंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तो आप शरीर के एक सपोर्ट कर रहे हो कि पानी जिधर जा रहा है उधर आप भी जा रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं आप। और जब आपका लाइफस्टाइल गलत होता है तो यू आर एक्चुअली स्विमिंग अक्रॉस द फ्लो। और जहां हम माइंड की बात करें तो माइंड तो किसी का शांत है ही नहीं आजकल। हर किसी को जो है मानसिक तनाव है। कोई भी व्यक्ति मिलेगा वो कहेगा ही नहीं कि मैं सुखी हूं। हर आदमी दुखी है। बिल्कुल। और केमिकल्स की बात तो मैं पहले कर चुका हूँ, केमिकल्स बहुत है हमारे इर्द गिर्द। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपको समझनी है, और जब तक इसको नहीं समझेंगे आप जो है युवा नहीं रह सकते। केवल कोई गोली खाने से जवान नहीं हो जाता है, आपको पूरा प्रोसेस समझना है। वो मैंने आपको बड़े सरल तरीके से समझाया। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में एंटी एजिंग के बारे में जानने सुनने को मिलता है च्यवनप्राश ऐसी ही जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो बढ़ती उम्र को रोकता है। क्या जीवा का च्यवनप्राश भी उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में कारगर है? जी बिल्कुल है। और च्यवनप्राश तो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि एक च्यवन ऋषि हुए थे। लंबी कहानी है, यहाँ पर उतनी बड़ी कहानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और बहुत बूढ़े हो गए थे। तो ओल्ड एज में उनको विचार आया कि मुझे जवान बनना है और किसी युवती से शादी करनी है। तो ऐसी एक स्टोरी आती है च्यवन ऋषि की। तो उन्होंने उस टाइम ये फार्मूला जो है बनाया, जिसका नाम रखा गया च्यवनप्राश, और उसको सेवन किया और वो युवा हुए। यानी कि एक तरह से एंटी एजिंग फार्मूला इसको हम कह सकते हैं, च्यवनप्राश को। ये एक उत्तम रसायन है
और जैसा आपने जीवा के च्यवनप्राश की बात की है, तो जीवा में जो हम च्यवनप्राश बनाते हैं वो बिल्कुल उसी चरक संहिता में जो फार्मूला लिखा है, जो च्यवन ऋषि का फार्मूला, उसी के आधार पर ये च्यवनप्राश बनाया जाता है। जीवा च्यवनप्राश में आज भी हम फ्रेश आंवला ही यूज करते हैं, फ्रेश आंवले से बना होता है। और निर्माण विधि जो है इसकी, उसमें भी हम बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाते हैं। जीवा में जो फार्मेसी है हमारी, वहां पर सारे स्टैंडर्ड्स, WHO के स्टैंडर्ड्स हम वहां प्रयोग में करते हैं। और अगर आप देखेंगे, हम जितना भी काम करते हैं, आपको मैं बार बार बताता हूं कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं लोगों का, उनसे उनका फीडबैक लेते हैं। तो हमारे डेटा में जब हम च्यवनप्राश का फीडबैक हम देखते हैं एनालिसिस करके, तो लोगों का कहना है कि जीवा च्यवनप्राश का टेस्ट जो है वो बहुत फ्रेश है और बहुत ही एफिकेस इसकी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव है ये। उनको फील होता है, हफ्ते भर में उनको फील होता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई। तो दूसरा फायदा जीवा च्यवनप्राश का ये है, क्योंकि फ्रेश आंवले से बना है तो पूरा साल आप खा सकते हैं इसको। शुगर फ्री च्यवनप्राश भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, और ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन का, मिनरल्स का, और जो भी अन्य पोषक तंत्र, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो आजकल आप कह रहे हैं, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो धातु वर्धक है, शुक्र वर्धक है, बल वर्धक है, ओज वर्धक है। और अच्छी बात यह है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आप जीवा का च्यवनप्राश ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर, क्या गलत खान पान और अनियमित लाइफस्टाइल भी एजिंग के लिए जिम्मेदार है? अगर हाँ, तो हम अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में किस तरह का बदलाव लाकर लंबे वक्त तक बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोक सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो प्री मैच्योर एजिंग, यानी के समय से पहले जब आप बूढ़े दिखने लगते हो, उसके तीन मुख्य कारण हैं। एक है गलत भोजन, यानी कि आपका डाइट जो है, अगर पोषण उसमें ठीक नहीं है, और दूसरा हमने बताया आपकी जीवन शैली, और मानसिक तनाव, तीसरा जो मैंने आपको बताया कि मानसिक तनाव या मन के अंदर प्रदूषण, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सुना होगा आपने। ये सब चीजें जो है हमारी एजिंग पर इनका असर होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन खाइए। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो उसमें पेट्रोल ही डालेंगे आप, उसमें डीजल नहीं डाल सकते। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो उसमें कफ वाले प्रकृति का जो भोजन मिलेगा वो आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें, अगर आपको प्रकृति नहीं मालूम है अपनी, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, एक स्पेशल पेज है वहां पर, ayurveda.jeeva.com/vpk, vpk यानी कि वात पित्त कफ। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर देंगे आप तो आपकी प्रकृति मालूम चलेगी। और एक सिंपल सरल फॉर्मूला बना लीजिए, ईट लेस लिव लॉन्गर, ईट लेस बी यंगर, कम खाइए और अच्छा शुद्ध खाइए। दिनचर्या का पालन करिए, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, तेल की मालिश करो, बहुत सारी चीजें हम दिनचर्या की आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और जितना भी जो है ये गलत लाइफस्टाइल है, ये आपको बंद करना है। ये बहुत ही आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है, धातुओं को कम करता है, ओजस को कमजोर करता है। ऋतुचर्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल रेजिमेंट। गर्मी में लोग 45 डिग्री में गरम गरम चाय पी रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, समझ ही नहीं आता। ठंड में लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग क्या होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग। यदि आपके बाल सफेद हो रहे हैं यंग एज में, 20, 25, 30 में, 40 में, बाल आपके गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, आपकी जो त्वचा में कालापन, धब्बे, पिगमेंटेशन है अगर, या झुर्रियां पड़ रही हैं आपकी त्वचा में, या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अभी आप 40-45 साल के हैं, हड्डियां वीक हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया आपको, आपकी मेमोरी कमजोर है, या याददाश्त आपकी खराब हो गई है, या आपकी इंद्रियां, चाहे आंख की दृष्टि है, चाहे सूंघने की शक्ति है, चाहे टेस्ट सुनने की शक्ति, अगर ये कमजोर हो गई है तो आपके प्री मैच्योर एजिंग हो रही है जी। ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं, ये जवानी में नहीं आनी चाहिए। और आपको मैं अगर बताऊं, जीवा में जैसा कि हम डेटा में हमने देखा कि प्री मैच्योर एजिंग के कारण क्या हैं, तो सबसे बड़ा कारण हमें दिखा वहां आपका विरुद्ध आहार, यानी कि एक समय में ऐसे भोजन मिला के खाना जो एक दूसरे के विपरीत हैं। 20% लोगों को प्रीमेच्योर एजिंग विरुद्ध आहार के कारण हुई।
पोषण की कमी से 17% लोगों को जल्दी एजिंग हो रही है, जो हमारे डेटा बता रहे हैं। पाचन की खराबी से 17% लोगों को जल्दी एजिंग हो रही है, क्योंकि खाना लग ही नहीं रहा शरीर में। और नींद ना आना या नींद ठीक से नहीं आना 15% लोगों को, उससे जो है झुर्रियां चेहरे पर, ये बाल सफेद होना। मानसिक तनाव 12%। अधिक एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी बनाने के चक्कर में या वेट लूज करने के चक्कर में, उससे भी जल्दी एजिंग आती है, क्योंकि आप अपने बॉडी के धातु को नष्ट कर रहे हैं। और अन्य कारणों से 12% लोगों को जल्दी एजिंग हमने जीवा के डेटाबेस में देखी। सर, जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे दर्शक एंटी एजिंग का लाभ ले सकते हैं? इसके साथ ये भी बताइएगा कि अगर बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने में योग और प्राणायाम, इसका कितना रोल होता है? देखिए, योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल होता है, और सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि योग और आयुर्वेद जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हो तो आयुर्वेद की जरूरत नहीं है आपको, या आप आयुर्वेदिक कुछ ले रहे हैं तो योग की जरूरत नहीं है। दोनों ही जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से मैं समझा दूं कि जो सूक्ष्म लेवल पर ये काम करते हैं योग प्राणायाम वगैरह, हमारे शरीर में 3 सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। ओजस की बात मैं आपसे करता हूँ, ओजस के अलावा 2 और शक्ति होती है, एक प्राण होता है, प्राण शक्ति जो जीवन देती है, एक तेजस होता है, कहते ना इसके अंदर तेज बहुत है, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये जो तेजस होता है ये भी हमारी एक सूक्ष्म शक्ति है। ये तीनों शक्तियों को मजबूत करने के लिए प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये तीनों जो है हमारे शरीर में वातपित्त कफ से भी जुड़े हुए हैं। अगर ओजस कम होगा तो कफ बढ़ जाएगा, तेजस कम होगा तो पित्त के रोग हो जाएंगे, प्राण कम होगा तो वात के रोग होंगे। और जीवा के बारे में आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जीवा में हैं जो कि आपको यंग बना करके रखेंगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनली अगर मैं बताऊं तो च्यवनप्राश, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं जीवा का च्यवनप्राश बिल्कुल हम शास्त्रीय विधि से बनाते हैं ताजे आंवलों से। जीवा का ओजस कैप्सूल बिल्कुल सेवन कोई भी कर सकता है उसको। बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट है बाल ओजस, बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए 10 साल से कम बच्चे उसको सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत कैप्सूल भी जीवा के कोई भी ले सकता है, महिलाएं भी ले सकती हैं, और फीमेल्स के लिए स्पेशली नारी सखी कैप्सूल है हमारा, और शतावरी टैबलेट, और इसके अलावा अश्वगंधा टैबलेट है, गिलोय टैबलेट्स, आंवला टैबलेट्स, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, बहुत सारी चीजें, गिलोय तुलसी, ये चीजें आप वेबसाइट पर जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पर तो आपको पूरा वहां एक रेंज मिलेगा। और ब्यूटी से रिलेटेड तो बहुत सारी हमारे पास क्रीम्स हैं, फेस के लिए फेस वॉश है, उबटन है, बालों के लिए तेल है, हेयर के लिए लेप है, टॉनिक्स हैं, तो देयर इज अ होल रेंज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो अगर आपके चेहरे पर भी वक्त से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगे हैं तो आपको जरूरत है आयुर्वेदिक उपचार की, इसीलिए डायल करें सेहत का ये नंबर और पाएं समाधान। चलिए अब बारी है डॉक्टर चौहान से सेहत का सवाल पूछने की। सेहत का सवाल लेकर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनकी समस्या। नमस्कार डॉक्टर प्रताप सर, मेरा नाम अभय सिंह राठौर है, मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे 2 साल से एलर्जी है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी नोज रन करती रहती है, हेडेक होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने इसके लिए अपना 2 साल से एलोपैथिक में इलाज भी करवाया है, बट सर जब तक दवाई चली तब तक मुझे राहत मिली है, जैसे दवाई बंद हो जाती थी फिर से ये सारे प्रॉब्लम्स दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। मेरा वेट भी नहीं बढ़ पा रहा है, इसी वजह से कुछ भी खाते हैं नहीं लगता है, और इसके लिए हम गर्म पानी भी पीते हैं और जितना हो सके ठंडी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बट सर फिर भी मुझे कोई ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर मुझे कोई दवाई औषधि बताएं जिससे कि मुझे रिलैक्स मिल सके। एलर्जी आपने कहा है, एलर्जी शब्द जो है बड़ा पॉपुलर शब्द है आजकल, अलग अलग तरह की एलर्जी है आपको, नाक गला फेफड़ा इसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो मुख्य रूप से तो कफ का ही यहाँ संकेत है। कफवर्धक भोजन जितना भी है, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, तली हुई चीजें, गरिष्ठ भोजन, ये बिल्कुल बंद करिए पहले।
थोड़े दिन के लिए, ज्यादा पूरी लाइफ लॉन्ग बंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज आपको समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी होती क्यों है, नाक के अंदर, गले के अंदर, फेफड़े के अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं आज की भाषा में, वो कमजोर है। तो कोई भी चीज संपर्क में आती, छींके आती हैं, गला खराब हो जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। जीवा का च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, जीवा का फ्लूकॉन टेबलेट, ये तो जनरल मैं बता रहा हूँ, जो लोग जो है छोटा मोटा जिनको प्रॉब्लम रहता है। और आपने बहुत सही कहा कि जितने दिन दवाई खाते हैं उतने ठीक रहे, जैसी दवाई बंद करे फिर प्रॉब्लम, क्योंकि रूट कॉज पर काम नहीं हुआ है। रूट कॉज को समझने के लिए क्या करेंगे, आपको जीवा में एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करना है और हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से प्रोटोकॉल के माध्यम से आपके रोग को समझेंगे और समझ करके उसका पर्सनलाइज्ड इलाज आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर चौहान ने जो भी आपको सलाह बताई है आप उसे जरूर मानेंगे। सर, रोजमर्रा की जिंदगी में हम किन तरीकों को अपनाकर एजिंग के लक्षणों को रोक सकते हैं, इसके लिए हमारे दर्शकों को टिप्स जरूर बताएं। देखिए सरल टिप्स बता रहा हूँ, 7 बादाम और 2-3 अखरोट रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के उनको आप खाइए, चाहे तो साथ में 1 कप दूध पी सकते हैं। रात को खजूर मिल्क बनाइए, बहुत बढ़िया रहता है, 2-3 खजूर छोटा छोटा सा काट करके 1 कप दूध में उबालिए, 1 चुटकी उसमें दालचीनी का पाउडर और 1 चुटकी इलायची का पाउडर, अगर केसर भी डालना है तो 2-3 तिनके केसर के डाल दीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और डेली जो है पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए, इसके साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम, योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन जो कि YouTube पर आपको अवेलेबल है। और यंग दिखने के लिए जैसा मैंने कहा है कि जीवा में कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स और हेयर प्रोडक्ट्स हैं, उनका जरूर आप प्रयोग करें। केसर का उबटन है, सेफ्रन क्रीम है, आलमंड शैम्पू है, भृंगराज ऑयल है। और साल में 1 बार जो है पूरी बॉडी की सफाई जरूर करनी है, उसके लिए जीवाग्राम में आपको जरूर आना चाहिए। इस वक्त सेहत का सवाल लेकर भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या क्या है चलिए सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर चौहान साहब, मेरा नाम आशीष, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 46 वर्ष है। मैं दिसंबर 2020 में कोविड से सफ़र किया था, मुझे इसके लिए मुझे 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी था मैं, और वहाँ जो भी मेरी मेडिसिन चली काफ़ी हैवी रही होगी ऐसा मैं सोचता हूँ, और फाइनली रिकवर हुआ मैं। अभी समस्या ये है डॉक्टर साहब कि मुझे जो है भूख जो है खुलकर नहीं लगती है, और 2 से 3 दिन में 1-2 बार लग गई तो ठीक है, और वैसे खान पान मेरा सादा ही है, मैं ज़्यादा मसालेदार ये सब खाना नहीं, अवॉइड ही करता हूँ शुरू से। और मुझे जो है अभी पिछले महीने मैंने अपना शुगर भी टेस्ट कराया था तो उसमें जो है बॉर्डर आया था मेरा, तो ये भी एक समस्या है, ये बॉर्डर आ रहा है और मुझे जो है थकान भी महसूस होती, पहले के जैसा एनर्जेटिक नहीं फील होता मेरे को, और ख़ासकर जब जैसे सुबह उठता हूँ सोकर तो वैसा फ्रेश नहीं लगता मेरे को। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे उचित उपचार आपके माध्यम से मिल सके, तो प्लीज़ बताएं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी देखिए, सारी समस्याएं जो आपने बताई हैं पोस्ट कोविड के ही लक्षण हैं। कोविड के बाद हमारे शरीर में कई सिस्टम हमारे कमजोर हो जाते हैं, पाचन का आपने जिक्र किया, थकान कमजोरी का जिक्र किया, तो इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें ताकि आपका खाया पिया शरीर में लगे। पाचन के लिए जीवा का डाइजेस्टोल बहुत अच्छा है, सबके घर में होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। ज्यादा अगर आपको थोड़ी रहता है कोई भूख ना लगना तो लिवोन सिरप, लीवर का टॉनिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हैवी दवाइयां खाने से लीवर पर भी असर आता है हमारा। और इसके अलावा जो है च्यवनप्राश आप सेवन करें। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि आपका थोड़ा केस पुराना हो गया है अभी, तो उसमें एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ में हमारी रायपुर में बिलासपुर में क्लिनिक्स भी हैं, एक बार ही पर्सनली डॉक्टर से भी मिल लीजिए। हमने तो जीवाग्राम में एक पोस्ट कोविड पूरा प्रोग्राम ही शुरू किया हुआ है रिजुविनेशन के लिए, तो अगर आप जीवाग्राम भी आना चाहते हैं तो उसके लिए तो
बहुत ही वेलकम है आप और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी एजिंग या किसी भी बीमारी से परेशान हैं, तो अभी जीवा के डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए कंसल्टेशन बुक करें और बीमारी का समाधान पाए। जीवा के सेहत का नंबर है 01294040404। डॉक्टर साहब, आज आपने एजिंग जैसे बहुत ही अहम विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और उसका आयुर्वेदिक समाधान भी बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जीवा हेल्थ शो विद डॉक्टर प्रताप चौहान में कल किसी और बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको घर बैठे उसका समाधान भी बताएंगे। नमस्कार।